गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहब पटियाला विखे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश दिहाड़ा श्रद्धा ते उत्साह नाल मनाया गया। इस दौरान संगतां ने मत्था टेक के गुरु साहब का आशीर्वाद लिया। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पहले प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित गुरुद्वारा दुख निवारण साहब नूं फुलां अते सजावटां नाल सजाया गया। इस मौके गुरुद्वारा दुख निवारण साहब के हैड ग्रंथी तों सुणो कि पहले प्रकाश दिहाड़े ते श्री गुरु अर्जन देव जी साहब ने बाबा बुढ़ा जी नूं इस दिन गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश करन दा हुक्म दित्ता सी अते बाबा बुढ़ा जी नूं पहला ग्रंथी थापिया सी। सिंह साहब अज जिहड़ा दिहाड़ा मनाया जा रहा उहदे बारे विस्तार तों दस्सिया वी की समागम नूं गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहै सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। ऐसे दीन दयाल पातशाह पोथी परमेश्वर का थान धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी जिन्हां दी संपादना श्री रामसर साहब पावन अस्थान ते करके धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अज दे दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पहला प्रकाश किया अते बाबा बुढ़ा जी नूं पहले ग्रंथ नियत किया गया। और सतगुरु पातशाह जी ने अज दा दिन ये चोन करके जदों उत्थे प्रकाश किए बाबा बुढ़ा जी नूं सतगुरु पातशाह जी ने हुक्म किया बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ लेहो आवाज़ सुनै सब पंथ अदब सैद ग्रंथ जब खोला ले आवाज़ बुढ़ा तब बोला। तब बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश करके हुक्मनामा लिया सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम ये पावन मुखवाक आया। अज गुरु साहब जी ने दुखनिवार साहब विखे भी अज मृत वेले यही हुक्मनामा बख्शिश किया। सो समुचिया सिख संगतां धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जो सभे सांझी वालता का उपदेश बख्शते हैं जिन्हां नूं कोई भी धर्म का किसी मजहब का किसी देश का कोई भी मनुख पढ़ के जीवन जाच प्राप्त कर सकता है किव सचारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल का उपदेश गुरबाणी बख्शती है। सो सतगुरु पातशाह जी के पहले पावन प्रकाश गुरपुरब दीआं खुशियां अंदर पावन अस्थान विखे श्री अखंड पाठ साहब आरंभ किए गए सन। हुण कीर्तन चल रहे ने समाप्ति होवेगी फिर रात को इस दीवान हाल के दीवान सजनगे 10:30 बजे तक जिस विच हजूरी रागी सचखंड श्री दरबार साहब तो इस पावन स्थान के रागी सिंह हाजरियां भरनगे संगतां नूं गुरु शब्द नाल जोड़नगे। समुचियां संगतां नूं धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पहले पावन प्रकाश गुरपुरब की लख लख वधाई होवे। नाल ही बेनती आओ इन्हां समागमां विच हाजरियां भर के सतगुरु पातशाह जी दे सीसां दे पात्र बणीए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। समूह संगतान को पहले प्रकाश पुरू गई मैं अपने वालों अपने जत्थे जथेबंदी वालों लख लख वधाई दिना तो नाल ही सारे मैं लोगों को अपील भी कराँगा सच्चे पातशाह कृपा करे तुहाडे सब ते तुसीं गुरबाणी नाल जुड़ो। गुरु ग्रंथ साहब की जो गुरु अर्जन देव जी ने संपादना की सी तो जे ये का टुब्बी ला के देखो ये की कुछ पिया हीरे जवाहरात पे हैं ये अंदर हर धर्म का समेल है और इसकी सिक्ख्या लैके दुनिया का कप्पा उतारा कर सकती है। अज साहब श्री ग्रंथ साहब जी का प्रकाश जोड़ा है वो सारी दुनिया के घर मनाया जाता है देखा जाता है पढ़िया जाता है सुनया जाता है और जोड़ा भी बंदा इस न जुड़ेगा वो अपने नतमस्तक होएगा गुरु साहब की सिक्ख्या पर चलेगा वो अपनी जिंदगी सफल बना सकता। मैं आप सारी सगों को एक बार फिर बधाई दिना तो उम्मीद करता कि आप सब गुरबाणी जुड़ो अपने आप को सुधारीए अपनी आत्मा पवित्र करिए लोगों के भले वास्ते जदोदार करते हुए सारे पंजाब का ही भला। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮੀਅਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਬਸ ਇਹੀਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਚੋ ਵਰਨਾ ਕੋ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੋ। ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਸੁਣੋ ਕਿ
पहले प्रकाश दिहाड़े ते श्री गुरु अर्जन देव जी साहब ने बाबा बुढ़ा जी नूं इस दिन गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश करन दा हुक्म दिता सी अते बाबा बुढ़ा जी नूं पहला ग्रंथी थापिया सी। सिंह साहब अज जिहड़ा दिहाड़ा मनाया जा रहा उहदे बारे विस्तार तों दस्सिया वी की समागम नूं गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कह सेवक जन मानै प्रतख गुरु निस्तारे। ऐसे दीन दयाल पातशाह पोथी परमेश्वर का थान धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी जिन्हां दी संपादना श्री रामसर साहब पावन अस्थान ते करके धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने अज दे दिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पहला प्रकाश किया अते बाबा बुढ़ा जी नूं पहले ग्रंथी नियत किया गया। और सतगुरु पातशाह जी ने अज दा दिन ये चोन करके जो उत्थे प्रकाश किए बाबा बुढ़ा जी नूं बेन सतगुरु पातशाह जी ने हुक्म किया बाबा बुढ़ा खोलो ग्रंथ लेहो आवाज़ सुनै सब पंथ अदब सैद ग्रंथ जब खोला ले आवाज़ बुढ़ा तब बोला। तब बाबा बुढ़ा जी ने प्रकाश करके हुक्मनामा लिया सूही महला पंजवा संतां के कारज आप खलोया हर काम करावन आया राम ये पावन मुखवाक आया। अज गुरु साहब जी ने दुखनवर साहब विखे भी अज मृत वेले यही हुक्मनामा बख्शिश किया। सो समुचिया सिख संगतां धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जो सभी सांझी वालता का उपदेश बख्शते हैं जिन्हां नूं कोई भी धर्म का किसी मजहब का किसी देश का कोई भी मनुख पढ़ के जीवन जाच प्राप्त कर सकता है कि सचारा हुई है कि कूड़ा टुटा पाल का उपदेश गुरबाणी बख्शती है। सो सतगुरु पातशाह